नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश भारत की और आज के भारत की, कि क्या क्या फ़र्क पड़े हैं इनमें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, तथा पास में दिए घंटे को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इसी के अलावा दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, तथा चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ब्रिटिश भारत की जो खास बात वो यह थी कि दोस्तों, ब्रिटिश भारत आज के भारत से बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार जैसे और भी छोटे छोटे कई देश थे, जिसमें कि तिब्बत का कुछ हिस्सा भी था, तथा श्रीलंका भी उससे पहले था, लेकिन वो पहले आज़ाद हो गया था। लेकिन आज ये देश अलग अलग देश बन चुके हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, और भारत एक अकेला अलग देश है, जिससे कि पहले के भारत से आज भारत काफ़ी छोटा है। दोस्तों, भारत पहले बहुत ही अमीर देश हुआ करता था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और यह हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। लेकिन जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए तो तब वह इसे लूट कर चले गए, जिसका खामियाजा आज हमें स्वतंत्र भारत में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत पहले की अपेक्षा ज़्यादा गरीब है अब। दोस्तों, रुपए की कीमत की बात करें तो दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि ब्रिटिश भारत में $1 = 1 रुपया था, तथा कई लोगों का मानना है कि $1 = 4 रुपए थे, लेकिन उसका कोई पक्का प्रूफ नहीं है अभी तक। लेकिन आज के भारत की बात करें दोस्तों, आज $1 = 70 रुपए प्लस है, तो रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा घट चुकी है आज के भारत में। दोस्तों, अगर देश की ताकत की बात करें तो उस समय देश इतना ताकतवर नहीं था, क्योंकि वो समय भारत कई रियासतों में बंटा हुआ था, जिसमें कि 500 से प्लस रियासतें थीं। लेकिन आज भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, इसी के अलावा परमाणु हथियारों से लैस है, इसी के अलावा आज के टाइम में हर देश भारत पर आँख उठाने से पहले 100 बार सोचता है। पहले की अपेक्षा भारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। दोस्तों, अगर हम GDP की बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत की GDP $93.7 बिलियन थी, जो कि दोस्तों आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज भारत टॉप 5 GDP वाले देशों में आता है। आज भारत की GDP $2037 ट्रिलियन है। दोस्तों, पहले जो भी हुआ उसको सोचकर क्या फ़ायदा, आज हमें आज को देखना है। देखिए दोस्तों, पहले अंग्रेज़ों ने हमें वहाँ पर 200 साल राज किया, तथा हमें लूट कर चले गए। अंग्रेज़ों ने हमें बहुत कुछ दिया भी तथा बहुत कुछ छीना भी, उसकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतिहास में जो हुआ वो हुआ, लेकिन दोस्तों आज हमें आज वर्तमान सुधार कर भारत को सुपर पावर बनाना है। दोस्तों, कई प्रसिद्ध मैगजीन्स का अनुमान है कि भारत जल्द ही एक सुपर पावर बन जाएगा, अगर इसमें सभी देशवासियों का सहयोग रहा तो। दोस्तों, वैसे 2050 से पहले पहले ही भारत दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। इसी के अलावा दुनिया की सबसे बड़ी GDP भी भारत की होगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप टैक्स चोरी ना करें, तथा देश की सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तथा जितना हो सके देश के विकास में सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। तथा दोस्तों, इसी के अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हम आपको अगली वीडियो के बारे में बताते हैं। हम आपकी अगली वीडियो लाएंगे कि अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते उस समय तो देश के क्या हालात होते आज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना। इसी के अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।